वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर एक अपडेट है। अब ये अपडेट जो है सच भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। गलत इस मायने में होगा कि सरकार इस पक्ष पे अपना ध्यान ना दे और इस बहाली की प्रक्रिया को निरंतरता से आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहे, क्योंकि बिहार में 170,000 की बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है वो हमेशा से विवादों में रहा है। यानी कि जब से नोटिफिकेशन आया है, इसका फॉर्म भरना शुरू हुआ है, तब से हर बार कुछ ना कुछ, हर हफ्ते अगर मैं कहूँ तो हमारे माननीय अतुल प्रसाद जी जो कि यहाँ पर अध्यक्ष महोदय हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ फेरबदल कर ही रहे हैं इस परीक्षा को लेकर। जैसे कि अभी जो है पटना हाईकोर्ट में 4 जुलाई को एक आदेश आया, क्या कि इस बहाली की प्रक्रिया को, जो नियमावली 2023 है, इस बहाली की प्रक्रिया को कोई रोकेगा नहीं, ये बहाली की प्रक्रिया चलती रहेगी और इसको कंप्लीट कराया जाए। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि अगर आप लोग 2006, 2008 है ना, 2020 के जो नियमावली को निरस्त किए बिना 2023 की नियमावली कैसे ला सकते हैं। तो इस पर पटना हाईकोर्ट से आदेश आया कि ये आ सकता है और ये बहाली की प्रक्रिया होगी यहाँ पर। तो चलिए, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हुआ। दूसरा अपडेट, जब से फॉर्म भरे जा रहे हैं तब से कुछ ना कुछ हमेशा सुधार किया जा रहा है। इसका मतलब है कि नियमावली में कुछ ना कुछ गलतियां थी, त्रुटियां थी, और इन त्रुटियों को सुधार लगातार किया जा रहा है। और अभी भी बता दें कि बहुत सारे छात्र फॉर्म नहीं भर पाए, जो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। लेकिन एक मामला और सामने उठ कर आ रहा है, 11 जुलाई को या 13 जुलाई को, 2 दिन यहाँ पर डेट दिए गए हैं प्रोटेस्ट यानी कि आंदोलन का। बिहार सरकार जो है यहाँ पर इसको लेकर अगर सीरियस है तो शायद हो सके तो एक और बदलाव या फिर बदल देखने को आपको मिल जाए यहाँ पे। अगर सीरियस नहीं हुई इनकी चर्चों पे, है ना, तो शायद यहाँ पे कोई बदलाव अब आगे देखने को नहीं मिलेगा। और आपका एग्ज़ाम कब है? तो 24 से लेकर 27 अगस्त तक। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। देखिए, आज की खबर ही पटना में अपडेट किया गया है दैनिक भास्कर से कि 24 से लेकर 27 अगस्त तक ये परीक्षा यहाँ पे चलेगी और आपका जो है विश्वविद्यालयों में जो कक्षाएं होंगी वो नहीं चलाई जाएंगी और परीक्षा यहाँ पे जो है आगे होगी। देखिए, यहाँ पे जो बातें कही गई हैं कि 170,000 शिक्षक भर्ती को लेकर परीक्षा के लिए सभी परांगत जितने भी विश्वविद्यालय हैं 24 से लेकर 27 अगस्त तक कक्षाएँ नहीं चलेंगी वहाँ पर। तो ये उन विश्वविद्यालयों की कक्षाओं के बारे में बात हो रही है, ठीक है। विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं भी इस दौरान नहीं होंगी और बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए विभिन्न विश्वविद्यालय और कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाया जाना है। तो आप लोगों को पता है कि 24 अगस्त को ही एग्ज़ाम है, तो इसके लिए सेंटर की तैयारी और पुलिस बल की भी तैयारी हो रही है, क्योंकि वो छात्रों के लिए सुरक्षा भी देखना चाहते हैं। क्योंकि 170,000 का तो वैकेंसी ही है और अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र यहाँ पे फॉर्म भर चुके हैं, है ना। तो ये संख्याएं अभी और बढ़ेंगी, क्योंकि इसमें जो है अन्य राज्यों के छात्रों को भी शामिल कर दिया गया है। इसका भी प्रोटेस्ट हुआ था बीच में कि अन्य राज्य के छात्रों का आखिर क्यों, ये डोमिसाइल नीति को यहाँ से जो है लागू किया जाए और लागू करने के बाद जो है यहाँ पे अन्य राज्य के छात्रों को आवेदन ना करने दिया जाए। लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी बात नहीं सुनी, मामला कोर्ट में गया हुआ है, अभी भी सुनवाई चल रही है। लेकिन हर वो बहाली की प्रक्रिया देखा जाए तो अन्य राज्यों को लेकर यहाँ पे पटना हाईकोर्ट में भी एक चीज़ सामने रखा गया कि अगर ये लोग डोमिसाइल नीति हटाते हैं तो इनको भी हाईकोर्ट का चेहरा देखना पड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है निकलकर कि अभी ये संख्याएं और भी बढ़ सकती हैं, अन्य राज्य के छात्र भी यहाँ पे अभी शामिल हो सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे कि देखिए, वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। मैं अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ले जाना चाहता हूँ, वहाँ से दिखलाऊँगा। लेकिन सुबह में आप लोग एक बार सुबह उठकर जो है ना 3-4 बजे के 5 बजे के करीब जो है ट्राई कीजिए, वेबसाइट बहुत ही स्मूथली चल रहा है, उस समय आप लोग अपना फॉर्म आसानी से भर भी सकते हैं। लेकिन जैसे ही कंजेशन बढ़ रहा है यहाँ पे, है ना, तो जैसे कि बहुत सारे छात्र साइबर कैफे से जाके अप्लाई करते हैं तो 8-9 बजे 10 बजे के बाद जो है ना साइबर कैफे खुल जा रहा है, तो वहाँ से छात्रों की संख्या बढ़ जा रही है फॉर्म भरने का, या कहीं से केस्को से फॉर्म भर रहे हैं तो वो संख्याएँ बढ़ रही हैं, जिसके चलते जो है वेबसाइट के सर्वर पर लोड बढ़ रहा है और लोड बढ़ने के चलते जो है आप लोग का मामला फंस रहा है यहाँ पर। मैं आगे बताऊंगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके। कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाया जाना है। इस मामले को देखते हुए उच्च महानिदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने शनिवार को सभी विश्वविद्यालयों में कुल सचिव को पत्र भेजा है और पत्र में कहा है कि 24 से 27 अगस्त तक सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की किसी तरह की कक्षाएँ नहीं होंगी और ना ही किसी तरह की उनकी परीक्षाएँ होंगी किसी भी स्तर का, और उक्त अवधि में राज्य सरकार के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से आवश्यक परीक्षाएँ होंगी।
इधर बीपीएससी के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण ने बताया कि जो है शनिवार को है ना, शनिवार शाम तक करीब 372,600 अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। और ये 372,000 में से जो है ना 2.5 लाख से ऊपर मतलब 270,000 या 275,000 तक है जो छात्र हैं यहाँ पे फॉर्म भी भर चुके हैं, अप्लाई भी कर चुके हैं। तो थोड़ा सा सर्वर का दिक्कत हो रहा है, लेकिन अब मामला अटकेगा 11 जुलाई और 13 जुलाई को लेकर। देखिए एक अपडेट है दोस्तों यहाँ पे, मैं वो भी देना चाहता हूँ, क्योंकि शिक्षक संगठन जो है, कौन शिक्षक, वो नियोजित शिक्षक जो कि अभी कार्यरत हैं लोग है ना, उनका धरना प्रदर्शन होना है 11 जुलाई को। बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, जिनको लेकर यहाँ पे बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में 11 जुलाई को धरना देगी। गर्दनी बाग में विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन होगा और 12 जुलाई को विधायकों के आवास पर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। यानी कि 11 जुलाई सभी वो नियोजित शिक्षक पटना पहुँचेंगे, गर्दनी बाग विधानसभा के समक्ष ये धरना प्रदर्शन देंगे। और ये अगर सफल हुआ इनका धरना प्रदर्शन, तो एक और अमेंडमेंट यानी कि कुछ ना कुछ फेरबदल आपके इस परीक्षा को देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो राज्य कर्मी के जो दर्जा मांग रहे हैं छात्र, जो शिक्षक संगठन है सॉरी है ना, ये जो राज्य कर्मी के दर्जा मांग रहे हैं वो बिना किसी परीक्षा को लिए हुए इनको डायरेक्ट राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए, जैसा कि अपने अभिभाषणों में यहाँ पर मंत्रियों ने कहा था कि हमारी पहली कलम से जो है यहाँ पर ये नौकरी आएंगी और जो है राज्यकर्मी का आप लोगों को दर्जा भी देके आपको प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पे एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ये एग्ज़ाम देने को तैयार नहीं है। और 12 जुलाई को विधायकों के आवास पर ये ज्ञापन सौंपेंगे, अपनी बातों को रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मोर्चा सदस्य मार्कंडे पाठक ने बताया कि रविवार को बैठक होगी और बैठक में TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ जो है गोपगुट राज्य स्तरीय स्नातकोत्तर प्लस टू शिक्षक संघ, बिहार उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ समेत कई संगठन भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये जो है एक बड़ा जो है प्रोटेस्ट हो सकता है 11 जुलाई को, अगर देखें तो बड़ा फैसला आ सकता है यहाँ पे इस बहाली की प्रक्रिया में, फिर से एक फेरबदल हो सकता है। क्योंकि इतना बड़ा संघ जो है और ये बाकी सभी के सभी जो हैं जो संघ यहाँ पर जुटेंगे, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ भी होगी और यहाँ पे अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे विधानसभा के समक्ष यहाँ पे गर्दनी बाग में, और फिर ज्ञापन सौंपेंगे यहाँ पे, तो उसको लेकर विचार किया जाएगा और कुछ फेरबदल भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, एक और खबर है जो कि शिक्षकों के समर्थन में आ रही है विपक्षी दल। यहाँ पे आपको बता दें कि 13 जुलाई को विधानसभा के लिए मार्च भी करेंगे। अब 11 जुलाई से 12 जुलाई का तो ये डेट फिक्स है, अब 13 जुलाई को भी इनकी बातों ये अपनी बातों को रखेंगे, कौन, जो विपक्षी दल हैं। भाजपा विधानमंडल दल के नेता हैं विजय कुमार सिन्हा, चूँकि ये हमारे शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और बिहार में अराजक स्थिति होने के आरोप लगा रहे हैं। देखिए मैं पक्ष और विपक्ष की दोनों की किसी की बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुद्दा पॉलिटिकल ना बने, है ना, पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता हूँ, ना ही कोई आप लोग कोशिश कीजिएगा इनको लेकर, क्योंकि ये भी सरकार में रहे हैं, ठीक है, और इनकी भी शिक्षा मंत्री थे ये, है ना, और ये लोग भी जो हैं आगे चलकर जो है नियामली में फिर बदल किए। जब आप लोगों ने STET के आधार पे आप लोग चयन लेने की बात कही थी 2019 वैकेंसी को लेकर कि सीधी नियुक्ति होगी, तो अभी यहाँ पे जो एग्ज़ाम होने जा रहा है BPSC का, उसमें आप लोग को आगे बढ़ के आना चाहिए था पहले ही, या तो आप लोग जल्द वहाँ पे जल्दी करते हैं 2019 की वैकेंसी 2019 में ही ख़त्म कर देते हैं, तो आप लोग भी सोच रहे थे कि ये इलेक्शन में भुनाएंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पे ये लटकते लटकते मामला जो है अब 2023 में आ गया है, 24-25 में इलेक्शन है, तो यहाँ पे भाई मामला तो गरमाएगा ही, क्योंकि आपकी सरकारें नहीं है यहाँ पे और आप इसके विपक्ष में बोलेंगे, तो ऐसा ही वो कर रहे हैं जो विपक्षी विपक्ष में है, और ये इधर भी यही कर रहे हैं जो विपक्ष दल में। तो ये दल वाले जो है ना, कोई भी मतलब आप पार्टी की बात करें तो सब अपना फ़ायदा देखते हैं आप, है ना, ये सब अपनी सोच रहे हैं, छात्रों का कोई नहीं सोच रहा है यहाँ पे कि आखिर ये 5-6 साल उनका जो बर्बाद हो रहा है इसके बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी ये अब प्रोटेस्ट तो होना ही है, अब ये विधानसभा की मार्च करने जा रहे हैं 13 जुलाई को, जहाँ पे भ्रष्टाचार अपराध की बढ़ती घटनाएं, शिक्षक के समर्थन में भाजपा विधानसभा की मार्च करेगी। यह मार्च गांधी मैदान से शुरू होगा और शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि बिहार में तबादले का खेल चल रहा है, मतलब बड़े बड़े पदाधिकारियों का जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पे देखिए पॉलिटिकल चीज़ें ये लोग बोलेंगे, ठीक है, ये लोग चुप नहीं रहेंगे, चाहे आप जो है
पक्ष में है या विपक्ष में, ये इनका काम है करना, ठीक है। लेकिन आपके लिए शिक्षकों की भर्ती को लेकर ये अपडेट है यहाँ पे, इसलिए मुझे देना यहाँ पे जरूरी समझा मैंने, है ना। तो 13 जुलाई को यहाँ पर ये विपक्ष के दल उठ के जाएंगे, आपका आपके लिए प्रोटेस्ट करेंगे विधानसभा में, है ना, विधानसभा का मार्च करेंगे। और 11 जुलाई को जो है छात्र करने जा रहे हैं, जिसका समर्थन मुझे लगता है कि सभी छात्रों को करना चाहिए, है ना, क्योंकि इस स्थिति में जो है कल आप भी पहुँचेंगे, कल आपके साथ भी गलत होगा, तो आपको भी सपोर्ट यहाँ पर इनको करना चाहिए। खैर, प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है, जो सरकार नियमावली बनाई है उसको पहले समझना चाहिए, और समझने के बाद अगर गलत है तो उस पर वो आवाज़ उठाना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे छात्रों को लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे आई हुई न्यूज़ के अपडेट से। अच्छा, एक देखिए खबर और आ रहा है, बिहार में नई भर्ती को लेकर नया अपडेट दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे रखा गया है। सभी योग्य अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय कटिहार में संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु बाल वाटिका शिक्षक पद पर अल्पकालिक अवधि के लिए नियुक्ति आवश्यकता अनुसार अस्थायी नियुक्ति हेतु पैनल बनाने के लिए करीब 18 जुलाई 2023 को 9 बजे वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। अब 18 जुलाई को यहाँ पे एक वॉक इन इंटरव्यू होगा 9 बजे से, जो कि सत्र 2023-24 के लिए आपका नोटिफिकेशन ये दिया गया है दोस्तों। तो आप छात्र जो है कटिहार पहुँचे, और सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि योग्यता आदि जो संबंधित जानकारी है या बायोडाटा फॉर्म है, इसके लिए केंद्रीय विद्यालय कटिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है आप देख सकते हैं, www.katihar.kvs.ac.in। तो ये जानकारी दी गई है कि यहाँ से 18 जुलाई को तैयार रहें आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस बहाली की प्रक्रिया को लेकर, क्योंकि यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम के डेट भी एक्सटेंड हो सकते हैं अगर फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड किया गया तो, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं फॉर्म नहीं भर पा रहे यहाँ पे। लेकिन मैं अगर बात करूँ तो अगर आप थोड़ा सुबह में ट्राई करेंगे तो शायद यहाँ BPSC का ऑफिशियल वेबसाइट जो है क्लिक करते ही ऑन जो है एक्टिव हो जा रहा है, और ये देख सकते थोड़ा सा टाइम ले रहा है ऑन होने में, मतलब इसका वेब पेज ओपन होने में, लेकिन पेज ओपन हो रहे हैं अब, ठीक है, पेज ओपन हो रहे हैं। यहाँ से लिंक भी इसका जो है अप्लाई करने का क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से लिंक जो है एक्टिवेट हो जा रहा है, और आप इसके लिए जो है फॉर्म यहाँ से भर सकते हैं। जो भी छात्र छात्राएं हैं वो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत हो रही है नेट का चलने में तो पेमेंट वाला सेक्शन थोड़ा सा डिले करके कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है अप्लीकेशन फॉर्म खोलने में दिक्कत हो रही है, रजिस्ट्रेशन तो खुल जा रहा है यहाँ पर, सारा रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी कल बताया था, है ना, लेकिन अप्लीकेशन फॉर्म खुलने में दिक्कत हो रहा है वहाँ पे। तो छात्र के साथ साथ मैं भी सरकार से आयोग से विनती करूँगा कि जो फॉर्म भरने का जो लिंक है या डेट है उसका, उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि जो है छात्र आसानी से फॉर्म भर सके, क्योंकि कल आप लोगों ने खुद ही कहा था कि डेट बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सरकार भी आपके साथ है, आयोग भी आपके साथ है, अभी जो बातें आप रख रहे हैं उसको, चीज़ों को मानी जा रही है, उसको डाला जा रहा है। ये बिहार की सबसे बड़ी बहाली है 170,000 की। अब जब भी कोई चीज़ होता है बड़ा तो उसके लिए विरोध तो होना है, और हो रहा है और होगा ही। तो ऐसे करते में आप लोग भी अपना ध्यान रखें और अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहें। जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा आपकी अपनी राय क्या है।